हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सौरभ शुक्ला। आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा था, उस राजा को पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। वह राजा बहुत सारी पेंटिंग्स उसे जो पसंद थी वो अपने राजमहलों में लगवाए हुए था। इतनी लगाव हो गया कि एक बार अपने मंत्रियों को कहा कि पेंटिंग्स का आयोजन रखा जाए, उसमें जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन राजा ने एक शर्त पर कहा। उसका शर्त ये था कि उस पेंटिंग्स में शांत स्वभाव और स्वच्छ दिखना चाहिए उस पेंटिंग्स के जरिए। तो मंत्रियों ने शहर में ढिंढोरा पिटवाया और सभी चित्रकारों से बताया। सभी चित्रकार इनाम की लालच के कारण आ गए। पेंटिंग सबने बनाई, अच्छे अच्छे बनाए, देखी सबकी राजा ने। उसमें दो पेंटिंग्स चुनी गई जो सबसे अच्छी थी। पहली पेंटिंग में सीधे सुरीले स्वर में झरना और शांत स्वभाव से बह रहा था। एकदम स्वच्छ निर्मल पानी था और एकदम साफ सा। बगल से पेड़ भी शांत स्वभाव खड़ा हुआ था। देखा राजा ने, बहुत अच्छी है। दूसरी पेंटिंग्स की बारी आई। दूसरी पेंटिंग्स को देखा गया, उसको भी राजा ने निरीक्षण किया। दोनों देखने के बाद सबके मन में विचार आ रहा था कि पहली पेंटिंग्स को ही इनाम दिया जाएगा। जब राजा का हुक्म सुनाने का समय आया तो राजा ने दूसरी वाले पेंटिंग्स के चित्रकार को इनाम देने की घोषणा की। तब पहले वाले चित्रकार को रहायश नहीं हुआ, उसने पूछ लिया कि महाराज, मेरे पेंटिंग्स में क्या खराबी थी जो इनके में बहुत अच्छा है? मेरे पेंटिंग्स में शांत स्वभाव, स्वच्छ निर्मल पानी बह रहा है और इनके पेंटिंग्स में हवाओं का झोंका लगा हुआ है। तो राजा ने बताया, उसे पहले वाले चित्रकार को हाथ पकड़कर दूसरी वाली पेंटिंग्स के पास ले गया। तो राजा ने कहा, कोई जरूरी नहीं है कि शांति ही हो, सारा प्रयाण ही शांत हो, उसमें शांत स्वभाव दिखना चाहिए। इसमें भले ही हवा चल रहा है, झोंका सब कुछ है, बट इस पेड़ के ऊपर एक देखो घोंसला रखा हुआ है। उस घोंसले में इतना हवा चलने के बावजूद में वो एक पक्षी अपने बच्चे को शांत स्वभाव से खाना खिला रही और चहचहा रही। कोई जरूरी नहीं कि स्वच्छ हो, निर्मल हो तथा शांत हो, उसी वही अच्छा हो। जो मुश्किल में भी स्वच्छ और सुंदर और उसका अनुभव करे शांत होने का, उसे ही अच्छे चित्रकार का चित्रकार माना जाता है। थैंक यू। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करो तथा अच्छी वीडियो को पोस्ट देखने के लिए बेल आइकन प्लीज दबाना मत भूलना।